absolutely no introduction, Amit Gatterwal. क्या बात है यार, क्या बात है. This is so lovely, so amazing to see. Come on guys, louder. Hi everyone. यार बहुत ही प्यारी एनर्जी है. बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ मिलके. और कैसा लगा IIT में आके? अरे वाह यार, फोड़ दिया. फर्स्ट ईयर्स कितने हैं यहाँ पे? ओ भाई साहब, क्लासेस छोड़ के आए हैं. वो छोड़ने के लिए होती हैं, प्रोफेसर तो नहीं है. चलो यार ग्रेट. बंदी छोड़ गया होगी? नहीं, अच्छा वो है ही नहीं, सॉरी. अच्छा ओ भाई थैंक यू यार. यस, गिव इट अप फॉर सर एक बार दोनों के लिए. दो जोरदार थालियां. So sir, my fixed question to every guest that we are having is that how did it all start? When did you think that we'll, you know, educate people through this social media, I mean, internet platform and all. So how did it all start? Please have a seat, please, both of you. Thank you. And then I think people are so excited. I think janta ki taraf zyada mera rujhan hai ki janta questions jitne hum le paye, right? So you all please be ready with your questions if you have. And then we'll start this session. Yeah, please answer this question and then we can take the audience. Start question. कैसे किया? Yes sir, how did it all start? What made you think like that कि मैं ये करूँगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को congratulate करना चाहूँगा आपकी IIT Delhi तक की journey के लिए. बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप यहाँ पे पहुँचे और उससे भी बहुत ज़्यादा energy है आपके अंदर, तो बैठ के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है. और जो इन्होंने पूछा कि स्टार्ट कैसे हुआ, तो बैक इन 2014-15 थोड़े शर्मीले बच्चे थे, काफ़ी शर्मीले बच्चे थे. कोई कहता कि स्टेज पे आके कुछ बोलो, तो हम कहते कि चलो जी हम चौथे फ्लोर से कूदने जा रहे हैं. तो पैर कांपते थे थोड़े. तो सोचा यार कॉलेज जाके थोड़ा इसके ऊपर वर्क करेंगे और थोड़ा बोलना सीख जाएं. तो सोचा कैसे बोलें, तो किसी ने कहा शीशे के आगे बोलो, किसी ने कहा कैमरे के आगे बोलो. तो उस टाइम में एक क्रिएटर हुआ करते थे जैद अली खान, अभी भी हैं वो, कुछ कॉमेडी व्लॉग्स वगैरह कुछ डाला करते थे. हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाने का देख लेते हैं. धीरे धीरे डाले, फिर जैसे जैसे बच्चों ने कहा और डालो, हमने और डाले. पता नहीं चला कैसे 2015 से 16, 17, 18, 19 तक पहुँचे. 3 साल में करते करते पहला सिल्वर प्ले बटन आया. जब सिल्वर प्ले बटन आया, तालियां, तो घर में एक छोटा भाई है तनिष, उसने कहा अरे आपके पास सिल्वर प्ले बटन आ गया, मेरे क्लास में एक बच्चा आपको जानता है. तो वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हमें तो कॉलेज में नहीं पता था. फिर थोड़ा और एफर्ट डाला, पहुंचते पहुंचते फाइनल ईयर में पहुंचे. और पापा की अपेक्षा थी कि UPSC करे, मम्मी की अपेक्षा थी सीरियल देख के कि मेरा बेटा सूट वूट पहन के किसी कंपनी में जाए, और हम कुछ और काम कर रहे थे. तो धीरे धीरे घर वालों को कन्विंस करना, एक मेरे को लगता है एक दिन का काम नहीं होता, एक 6 महीने का फेज़ होता है जब आपको कोई और काम करना होता है. पहले आप हिंट देते हो, धीरे धीरे बुद्धू बनाते हो उन्हें कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिन का 10-15 मिनट लगता है. कर करके फोर्थ ईयर में एक डिसीजन लिया कि प्लेसमेंट्स को ड्रॉप करते हैं. पापा से रिक्वेस्ट करके अपने लिए 2 साल मांगे कि फोर्थ ईयर दे दो और उसका अगला साल दे दो, और इस दौरान नहीं हुआ तो बाद में UPSC कर लेंगे. और यहाँ पर मुझे कुछ और नोन फेसेस भी दिखे, दो तो मुझे रास्ते में दिखे. यहाँ पर आपके इक्लिप्स नोवा, हाय हीरो, तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और मैं कल आपने कुछ वीडियो भी डाला था, मैं प्लेसमेंट छोड़ रहा हूँ या लेके अब आगे कंटिन्यू नहीं. तो फिर एक नंबर सेट किया दिमाग के अंदर कि यार ये X नंबर अचीव हो जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में हम आगे जा सकते हैं. एक उस दौरान वीडियो देखा था, थे फोर्थ ईयर के अंदर, और किसी अंग्रेज ने वीडियो बनाया था BMW लेके, 6.5 फीट का अंग्रेज था, कि हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26. मैंने सोचा यार 26 कितना कूल लग रहा है, अगर 22 साल में हो जाएगा तो कितना कूल होगा. यूं नहीं सोचा था खुद के लिए, पर सोचा था कितना कूल लगेगा. ऐसी एक वाइट बोर्ड था जिसमें हम कुछ वीडियोस बनाते थे, उसी के अंदर कुछ कुछ नंबर लिखने स्टार्ट करे. हम बुक प्रिंट करेंगे, हम और स्टूडियो बनाएंगे, हम क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी. पर वो नंबर मिलियन तो छोड़ो, 2 करोड़ भी टच नहीं कर रहा था आइडियलिस्टिक केस में भी.
पर हुआ कुछ ऐसा कि साल भर के अंदर जो नंबर हमने एक्स का सोचा था कि यार ये अचीव करना है, हमने लगभग 10x नंबर अचीव किया। और वहाँ पे जो पेरेंट्स को पहले कभी बहुत टाइम लगा, 3 साल बोल सकते हो, अब कॉलेज के बाद भी 2-2.5 साल हो गए हैं, पापा पहले कहते थे कि यार ये चीज़ें मत करो, सरकारी ही करो, क्योंकि घर में सब सरकारी में थे। अब पापा कहते हैं कि यार मैं सरकारी जो कर रहा हूँ उससे VRS ले लेता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प कर सको आपके काम के अंदर। तो वहाँ से मेरे को ये समझ में आया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहना चाहते हैं, उन्हें बस कभी कभी डाउट होता है कि ये खुद कर पाएगा क्या, कहीं कोई चीज़ बीच में ना छोड़ दे, कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। कल ही एक वीडियो बनाया कि हम तो आज के दिन कहते हैं कि यार हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स एक ऐसा स्टार्टअप चला रहे हैं जिसका, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वैसे ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। फिर ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका IPO 20-25 साल बाद निकलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकते, यहाँ पे वो अपना खुद का खून पसीने का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वहाँ बजट बनता है, यहाँ पे भी बजट बनता है। उधर मेंटर से मेंटरशिप ली जाती है, यहाँ पे आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछा जाता है बच्चे को क्या कराए। और ऐसे कर करके 20-22 साल की उम्र में जब IPO भी निकलता है तो फायदा co-founders को नहीं, उस बच्चे को होता है। तो मेरे हिसाब से हमारे सारे माता पिता ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं, और बस यही है। तो 2019 के बाद यार कॉलेज 2020 आया, 20 के बाद 21 में हमने सोचा कि AD जो चैनल था अमन दत्तरवाल, फिर अपनी कक्षा हमने स्टार्ट किया कि डेडिकेटेड चैनल बनाए जाएं JEE स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए। फिर एक था कि जिस बच्चे को 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं वो इवेंचुअली कॉलेज में जाता है, तो उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। तो वी स्टार्टेड अपना कॉलेज। और श्रद्धा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको मैंने देखा लिंक्डइन के ऊपर कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया है, 2nd इंटर्नशिप 3rd ईयर के अंदर ये थे अपने, और मैंने इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि हम अच्छे अच्छे जो बच्चे होते थे गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाले इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। कोरोना का टाइम था, कॉलेजेस चल नहीं रहे थे, तो इंटर्नशिप फीजेबल थी थ्रू आउट द ईयर। तो हमने कहा कि यार आओ थोड़ा काम करते हैं। तो गूगल, अटलाशियन, माइक्रोसॉफ्ट, GS, गोल्डमैन सैक्स, इससे 5-6 हमने बच्चे लिए, और हमने कुछ एक कोर्स C++ नाम का स्टार्ट किया। धीरे धीरे डाउन द लाइन सारे लोग थोड़े कम लगे, पर श्रद्धा के अंदर एक एनर्जी थी अलग, था कि यार इसको और कर सकते हैं। उस इंटर्नशिप को धीरे धीरे, जो 2 महीने की इंटर्नशिप थी, पता नहीं कैसे 1 साल की इंटर्नशिप बनी, वो फुल टाइम जॉब लगा। फिर इनकी माइक्रोसॉफ्ट का टाइम आया, लगभग इन्होंने 1.5-2 महीने ज्वाइन भी किया, उसके साथ भी काम किया। फिर एक बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया कि ये हरियाणा से आती हैं यार, ठीक है, और हरियाणा में भी एक गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बताया था हमने, नाथुरपुर करके एक गाँव है। इन्हें अपनी कोचिंग जब लेनी पड़ी थी तो उसके लिए आकाश में जाते थे, 2 घंटे ट्रैवलिंग था, 2 घंटे वापस था। अब इंजीनियरिंग में जब एडमिशन ले रहे थे तो इसको ये भी पता था कि प्रायोरिटी क्या रखे, 40 कॉलेजेस में प्रायोरिटी रखनी पड़ती है ना, तो इसे लगा कि मैकेनिकल सबसे अच्छा होता है, सिविल सबसे अच्छा होता है, और तुक्के से किसी ने कहा था तो इनकी प्रेफरेंस ये थी कंप्यूटर साइंस, सिविल, और 3-4 और भरे थे और खाली छोड़ दिया था बाकी सारा। लकीली इसकी रैंक अच्छी थी तो इसे कंप्यूटर साइंस मिल गई, मतलब 0 नॉलेज थी जहाँ से आई थी। पेरेंट्स काफ़ी खुश थे कि बच्चे का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हो गया है, राइट। और वहाँ से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि पापा मेरे को माइक्रोसॉफ्ट छोड़नी है, इनको मैंने इस प्रकार से एक सवाल पूछा कि यार 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दोगे 40-45 लाख की जॉब है, जाएगी, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके 1-2 साल बर्बाद हो जाएं, आपको दोबारा एक जॉब करनी पड़े और वो 15 लाख दे आपको। मैंने कहा 15 लाख की तोड़ लोगे, बोले हाँ 15 की तो आराम से तोड़ लूंगी। मैंने कहा बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप दिन के लाखों बच्चों पढ़ाओ, तो क्या बेट ले लें। तो उन्होंने कहा हाँ ले सकते हैं बेट। आज ये है कि अपना कॉलेज दिन के 5.5 लाख बच्चों को यूट्यूब पे हर दिन हिट कर रहा है, टच कर रहा है, पढ़ा रहा है वहां पे। इस जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा फेथ लगा, राइट। और जैसे जैसे यार आप सारा जर्नी अकेला नहीं कर सकते, आज के दिन ये co-founder हैं पूरी अपनी कक्षा और अपना कॉलेज के। ये सिर्फ अपना कॉलेज चैनल नहीं चला रहे, पीछे जो पूरा टेक है वो हैंडल कर रहे हैं, जितनी कॉलिंग टीम होती है उसको हैंडल करते हैं, जितने लॉजिस्टिक्स के काम हैं वो सारे हैंडल करते हैं। तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ाते जा रहे हैं,
और थोड़ा सा फेथ चाहिए होता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो तो आप लोगों को पता ही, आप सारे IIT वाले हो, कंसिस्टेंसी के साथ ही यहाँ पे आप सभी लोग पहुँचे हो, और बस इतना सा ही था। और सर के लिए एक बारी जोरदार तालियां, बट उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ एक बारी मैम के लिए उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार तालियां। उसका कारण क्या है सर, आपने जितनी देर बोला ना, श्रद्धा मैम को मैं बताता हूँ क्या कर रही थी, तू बोली थोड़ा सा बोल, अरे अमन क्या बोलू, मत बोल मतलब दिस द वे श्रद्धा वॉज लुकिंग विथ सो मच ऑफ इनोसेंस, एक बार भी पलक नहीं, जबकि इधर उधर इनकी डेडिकेशन के लिए जोरदार तालियां। मतलब मैम ने, मेरे को लगा मैम थोड़ा सा इधर देखेंगी, हमारा भी एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा सा नजरे से नजरे मिलेंगी शायद, लेकिन नहीं, सिर्फ अमन को ही देखे जा रहे थे और वो क्या बोल रहे थे उसकी तरह, अगर वो कुछ स्वीट सा बोले तो ऐसे नॉर्मली, तो ऐसे तो हैट्स ऑफ टू श्रद्धा मैम एज वेल। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? मेरे पेरेंट्स मतलब दे हैव द टिपिकल इंडियन माइंडसेट, तो मैं थापड़ गई थी इससे पहले ऑफलाइन सेमिनार के लिए, एंड मैं उनको बताती हूँ कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कोडिंग, इतने बच्चों तक मैं रीच कर पा रही हूँ, हम ये सब माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, पर आज शायद पहली बार खुशी देखी होगी जब मैंने उनको बताया कि मैं IIT दिल्ली में सेमिनार के लिए जा रही हूँ। उनको बोलना GD वहाँ पर होस्ट था, वो और खुश हो जाएंगे। ऑलराइट, या अनुभव यू हैव सम क्वेश्चंस ब्रदर? तो सर जैसा कि आपने बताया कि श्रद्धा मैम की लाइफ में एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन था कि वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आपके साथ काम करने आई, तो उसी तरह आपकी लाइफ में वो कौन सा क्रूशियल डिसीजन था जो आपने बनाया मेक किया, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा डिसीजन हो या फिर बेकार डिसीजन हो, और उसने उस डिसीजन ने आपकी लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट किया? ये सवाल है ना, मैं पहले जितने भी मुझे लाइफ में बहुत हैवीली सक्सेसफुल लोग मिलते थे उनसे पूछता था, कोई एक डिसीजन नहीं होता, काफ़ी सारे कपल ऑफ डिसीजन होते हैं जैसे धीरे धीरे स्टेयरिंग व्हील मुड़ता है और एक डायरेक्शन नहीं आती है, पर मेजर डिसीजंस अगर आप बोलोगे तो एक तो था प्लेसमेंट ड्रॉप करना, पर प्लेसमेंट से ज़्यादा मैं बोलूँगा सरकारी एग्ज़ाम को ड्रॉप करना, क्योंकि अगर मैं घर वालों को जाके बोलता था प्लेसमेंट लेनी तो वो बोलते हाँ ठीक है क्या ज़रूरत है सरकारी की तैयारी करो, सरकारी ड्रॉप करना उनकी नज़रों में एक बड़ा था, घर में 11 भाई हैं बहनें हैं सबको ही सरकारी में लगा दिया, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है घर में, तो वो ड्रॉप करना एक था, बाकी आई गेस टेकिंग श्रद्धा इनटू द टीम दिस वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड जो डिसीजन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और बाकी तो सारे छोटे मोटे डिसीजंस हैं। बैक इन अगस्त हमने डिसाइड किया कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे इन्वेस्ट करके एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके थ्रॉटल के साथ कुछ किया था अगस्त मंथ में, तो वो एक काफ़ी अच्छा रहा, जैसे अगर मैं बोर नहीं करूँगा, ये एडटेक की चीज़ें हैं आपके ज़्यादा काम की, इसको भी देखा मैंने, ये ईशान सर में, अरे वाह मेरे को आँखों से समझ में आया ये, अरे वाह सब यहीं पर आज, तो मेरे को दो चार क्रिएटर मिल गए, दो तो यहीं दो बाहर, वेरी गुड यार, अरे यार बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये भी लड़का कंसिस्टेंसी से लगा हुआ है, ये लौंडा सिर्फ श्रद्धा को रिकॉर्ड कर रहे और कह रहे सब आपके लिए सर, झूठ मत बोल। तो भूल गए यार क्या बात कर रहे थे, हाँ एडटेक में अगर जैसे बात करें, मैं बोर नहीं करूंगा इससे, जल्दी से रैप अप कर दूंगा, उसके बाद आप अपने जो जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर एडटेक के अंदर आज के दिन हम देखें, काफी सारे फंडेड जायंट्स हैं जिनके पास बिलियन डॉलर फंडिंग है। एजुकेशन में पिछले 7 साल से मैं जो चीज़ समझाऊँ वो ये कि एक हम सबका एक अच्छा टीचर होता था जब हम कोचिंग में होते थे, आपने जहाँ भी कोटा से पढ़ा होगा, फिट जी विद्या मंदिर, जहाँ से भी आकाश आपने पढ़ा है, कुछ टीचर होते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जिनकी बातें याद रहती हैं, जो कि यार ये मेरा फेवरेट टीचर है, मज़ा आ गया इसने केमिस्ट्री पढ़ाई मैथ्स पढ़ाई। पर अगर आप एडटेक को ऐसा बना दो कि जी हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए हैं और हम इतनी डिजिटल मार्केटिंग लगा देंगे, चाहे बच्चे को वैल्यू एडिशन मिल रही है नहीं मिल रही, तो वहाँ वो कनेक्ट नहीं हो पाते, तभी आप देखोगे आजकल बहुत बड़े बड़े एडटेक्स हैं जहाँ पे हज़ारों की मात्रा में लोग फायर हो रहे हैं। आने वाले एक कपल ऑफ वीक्स में एक बड़ा और एडटेक जायंट है जो लगभग 1,000-2,000 लोगों को फायर करने वाला है, एक और एडटेक जायंट है जिसने 100 करोड़ से ऊपर लगा के 2 करोड़ का रेवेन्यू किया, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में
एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन है, अभी तो हमने पेरेंट्स से रिलेट किया कि हमारे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर हैं, पर अगर आप कुछ ऐसा भी बनाते हो, एंटरप्रेन्योर सिर्फ यूनिकॉर्न नहीं है, आप सब बल्कि IIT दिल्ली से हो, शायद ग्लोबली इसकी रैंक 4 आती है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो इसने निकाले हैं, पर अगर आप कुछ ऐसा भी करते हो जिसमें 10, 20, 40, 50, 100, 200 लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और आपको लगता है आप एक ट्रू वैल्यू दे रहे हो या अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट एक वैल्यू दे पा रहे हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप हो चाहे वो फंडेड हो, तो वहां पर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक अग्रवाल स्वीट कॉर्नर एंटरप्रेन्योर तो नहीं, वो बिजनेस चला रहा है, पर अगर वो वैल्यू ऐड कर रहा है, हर एक छोटा व्यक्ति जो कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है, आई गेस वो एक अच्छी चीज है, उसको अगर हम गोल रखेंगे, एट द एंड आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आप अपने आप ऊपर उठोगे, ये मेरा मानना है, बस यही कुछ चीजें थी। राइट मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके सारे चैनल्स मिला के यू हैव मोर देन 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, सो आप एक बहुत ही बड़े यूथ सेंसेशन हो राइट नाउ, और आपका कोई भी स्टेटमेंट यूथ के थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, जो भी मतलब काफ़ी यंग यूथ है, टीनएजर्स हैं, उनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आपको कभी ये बर्डन फील नहीं होता कि आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू कोई भी गलत चीज़ ना जाए, और ये बर्डन आप कैसे मैनेज करते हो, और हाउ डू यू मेक श्योर कि कोई भी गलत चीज़ डिलीवर ना हो आपके चैनल या फिर आपके किसी भी एसोसिएट चैनल के थ्रू? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इसका एक छोटा सा उदाहरण देके देख लेते हैं, हमारे पास टाइम कितना है अभी सर, मतलब 5-10 मिनट 15-20 सर, आप बोलते रहो, बच्चे खुश है, बट वैसे टाइम कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इवेंचुअल मैसेज क्या जाता है, स्पेशली जब आपको बहुत सारे कुछ बच्चे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के आदत नहीं, थोड़ा सा ऐसे वॉक कर करके खुल जाते हैं। हम थोड़े दिन पहले श्रद्धा से मैं पूछ रहा था कि यार पहले शार्क टैंक ट्रेंडिंग था, अब क्या ट्रेंडिंग है आजकल यूट्यूब के ऊपर, किससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, तो बताया कि यार आजकल लोग गाड़ियाँ बहुत लेते हैं, राइट, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपने कैमरा निकाल रखे अभी, पर कोई BMW X5 ले रहा है, तो कोई X7 ले रहा है, तो कोई मर्सिडीज ले रहा है, तो कोई फॉर्चुनर ले रहा है, और लग्जरी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि हाउ आई बॉट दिस पर्टिकुलर कार एट दिस पर्टिकुलर एज, या हाउ आई बॉट दिस। और होगा क्या इससे, जितने हम सेमिनार लेते हैं, आप तो सारे IITians हो, काफ़ी बार स्कूल्स होते हैं, काफ़ी बार पेरेंट्स बैठे होते हैं, एक बच्चा जो 11th-12th क्लास के अंदर होता है वो क्या सोच लेता है, अरे यार अमन भैया की एज है 24, राइट, या इस पर्टिकुलर क्रिएटर है इसकी एज है 26, इसने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने का मतलब चाहे मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर लूँ, चाहे मैं गूगल में काम कर लूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, 26 साल की उम्र में तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जो मुझे 1.5 करोड़ की गाड़ी दे पाए, तो इसलिए मेरे को जॉब तो करनी नहीं, राइट, तो अब क्या करेंगे, अब 11th-12th में मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगा, अब मैं JEE NEET भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, तो है क्या, उसके अलग लेवल के ही वो सेट हो गए हैं, बल्कि होना कायदे से ये चाहिए कि 11th-12th में वो अपना बेस्ट दे दे जितना है, और कॉलेज में अब आपके पास 4 साल पड़े हैं, आप अपने दिन के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे किस में इन्वेस्ट करते हो, जैसे अभी मैंने बताया नोवा अपने 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर करके इसने अपना एक चैनल बनाया, ईशान शर्मा है इसने अपना चैनल क्रिएट कर लिया, इसी प्रकार से आप में से काफ़ी आर्टिस्ट होंगे, कुछ सिंगर होंगे, अलग अलग काम आप कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो कॉलेज के दौरान, एक बार बढ़िया कॉलेज में पहुंचो। अब लाइफस्टाइल क्या बेची जा रही है, मैं कल ही एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था और क्या है, जब भी आप कोई गाड़ी लॉन्च, हम सैलरीज के अंदर महीने का लगभग 1 करोड़ अपने सारे टीचर्स और जितना स्टाफ है उस सबको देते हैं, पर आज भी मैं एक 2.5 लाख की सेकेंड हैंड स्विफ्ट में चलाता हूं जो कि 3 साल पुरानी, आपके कॉलेज आए हूं एक कैब के साथ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया कमा रखा है, और जो बोला जाता है कि जी 25-30-35% का हम रिटर्न ले आते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, अगर कंसिस्टेंट 30% की ट्रेडिंग आप 30 साल के लिए करते हो, तो आप कैलकुलेट कर लेना वो 1 करोड़ नंबर कहां पहुंचता है, दुनिया में दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको उतना रिटर्न ला के दे पाए। तो वाई आर दीज पीपल हर दिन अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, हम क्रिएटर हैं, हमारा डेडिकेटेड यही चीज है, पिछले 7 साल से एज अ डेडिकेटेड क्रिएटर वी आर डूइंग दिस फॉर अ लिविंग, पर एक व्यक्ति आए कि जी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और पर मैं रोज वीडियो अपलोड करने का मेरे पास टाइम है, आप चीज समझ पा रहे हो क्या हो रही है, एक गलत ड्रीम बेची जा रही है, बच्चे को
तो वहाँ पे मैं थोड़ा खोल के नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि काफियों के कैमरा आउट है, पर कोई इंडिविजुअल होता है तब मैं बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें झूठ हैं सोशल मीडिया के ऊपर आज के दिन, एक सर्टेन परसेंटेज समझ में आता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो मेरी जो पर्सनल लाइफ का कुछ होगा वो शायद मैं आपसे छुपा जाऊं या वो मैं जंप मार जाऊं क्योंकि मुझे लगेगा कि यार मेरा पर्सनल मेरे को शेयर करना ज़रूरी नहीं है। पर खुद को सब्सक्राइब फॉलो बटन का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना मतलब आप किसको फॉलो करोगे, जिस जैसा आप बनना चाहोगे, आप किस जैसा बनना चाहोगे, जिस जैसी आप जिंदगी जीना चाहोगे। तो इस चक्कर में लाइफस्टाइल सेल हो रही है। अगर कोई पूछे वो BMW X7 खरीदी कैसे गई है या वो X5 खरीदी कैसे गई है, एक क्रिएटर तो बता रहा है जी मेरे को 1.5 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो मैंने खरीद ली और 5 साल में इसे दे दूंगा और अब 1.5 करोड़ की गाड़ी 60 लाख में बिक जाएगी, 90 लाख का लोन मेरे को ग्रांट हो रहा है, तो अगले मैं 5 साल के लिए लोन देता रहूंगा। ये कैसी लाइफस्टाइल बेची जा रही है। और आप लोग हो समझदार, NIT वाले भी हो गए समझदार, काफी समझदार हैं, पर इंडिया में सारे समझदार नहीं है, आप टॉप 1% के भी ऊपर वाले लेयर में आ रहे हो। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट, उन्हें ये पता है लैम्बोर्गिनी 0 to 100 कितने सेकंड में करती है, कि भाई 3 पॉइंट इतने सेकंड में करेगी, उनसे पूछ लो केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं 12वीं के अंदर। तो वहां पे अब पेरेंट क्या कर रहे हैं, वो चला रहा है 20-25 साल से स्टार्टअप, पर उसके अंदर के जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने पूछा कि सोशल मीडिया का मैसेज से क्या होता है, आई गेस सबसे खराब मैसेज अगर यूथ को अभी जा रहा है तो वो कुछ ड्रीम है जो कि करो यार। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, अगर आपको 1000 रुपये कमाने हैं महीने के अंदर तो कोई भी काम कर लो, 2-3 दिन के लिए आप 1000 रुपये कमा लोगे, किसी को ट्यूशन पढ़ा दो, किसी बर्गर स्टॉल पे खड़े हो जाओ, दिहाड़ी कर लो, मजदूरी कर लो, 2-3 दिन के अंदर 1000 रुपये कमा लेंगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर 10,000 रुपये कमाने हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ वही काम महीने भर के लिए कर लो, 15-20 हज़ार तो मिल जाएंगे, बर्गर स्टॉल पे खड़े हो जाओ, दिहाड़ी कर लो, वही 10,000 की रेंज में हो गया 10,000 रुपये महीने का। अगर 1,00,000 रुपये कमाने हैं तो क्या करो, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ और प्लेसमेंट ले लो, अरे हाँ या ना? या फिर नॉन टेक में लगती है तो नॉन टेक में 3-4 साल काम करो, धीरे धीरे 1,00,000 पे पहुंच जाओगे महीने का, हाँ या ना? महीने का 10,00,000 रुपये कमाना है तो क्या करे, महीने का 10,00,000 रुपये कमाना है तो क्या करें? तो या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, वो कंपनी में बड़ी MNC में 8-10 साल लगा चुका है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी में, वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो कैश प्लस स्टॉक करके वो लगभग 10-1 लाख की रेंज में पहुंच जाएगा, काफियों के हो जाते हैं 10-12 साल में करोड़ प्लस, अरे हाँ या ना? जिसकी 40 लाख में ज्वाइनिंग हुई करोड़ प्लस पहुंच जाएगा, येस और नो? तो वो 10 लाख कमा लेंगे। अब कौन है जो कि भाई महीने का 1 करोड़ कमाते हैं, और 1,00,000 और 10,00,000 वाले में बाकी लोग भी आएंगे, जैसे ई कॉमर्स है, किसी का अमेजोन पे लगा हुआ है, किसी का अग्रवाल स्वीट कॉर्नर लगा पड़ा है, चाय पकौड़ी की दुकानें बड़ी अच्छी खोल रखी हैं तामझाम के साथ, यस और नो? अगर आपको 1 करोड़ पर मंथ वाले दायरे के अंदर आना है, राइट, मैं वही नंबर बोलूंगा जो मैंने खुद अचीव किए हैं, उससे ऊपर वाले मैंने किए नहीं तो उनकी मैं बात करूंगा नहीं, 1 करोड़ पर मंथ वाले आपको दायरे के अंदर आना है, आप इंडिया में किसी को भी उठा के देख लो, या तो वो अपने पर्टिकुलर डोमेन के टॉप 100 में है, टॉप 100 स्पोर्ट्समैन, अब उसमें जैवलिन थ्रो वाले भी आ जाएंगे, क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे और सारे स्पोर्ट्समैन भी आ जाएंगे, टॉप 100 आर्टिस्ट, उसमें एक्टर भी आ जाएंगे, कुछ सिंगर आ जाएंगे, कुछ म्यूजिशियंस आ जाएंगे, अरे हाँ या ना? यही तो है जो महीने का 1 करोड़ कमा पाते हैं। टॉप 100 रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ऑफ इंडिया, ये होंगे जी भी टॉप, बढ़िया बेस्ट लोकेशन पे है जी, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट चलता है, ये 1 करोड़ कर पा। टॉप 100 ई कॉमर्स, अमेजोन पे जो टॉप 100 लोग हैं वो कर पा रहे हैं, हाँ या ना? ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, खुद की दुकान चढ़ा रखी है, यस और नो? और कौन कमा पा रहा है? और जो कमा पा रहे हैं वो कमा पा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, अरे हाँ या ना? यस और नो? या तो आपका ऐप हो, या आपकी वेबसाइट हो, या आपका कोई व्लॉग आपने कोई खोल रखा हो, आपके चैनल्स हो, आपका कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, कि यार ये चीज है मेरे पास, मान लो ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ये चीज है मेरे पास 10 रुपए की, ठीक है, और मैं 10 लाख लोगों को जाके बेच दूं तो 1 करोड़ का धंधा हो गया, और ये धंधा हुआ, ये प्रॉफिट नहीं है वैसे, पर 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच गए, हाँ या ना? और वो स्केलेबिलिटी आपको ऑनलाइन देता है, ये चीज है जो मैसेज देना चाहिए। पर अगर मैं मैसेज दूं कि भाई मेरे को अगर कि भाई चलो 6 महीने हो गए कुछ नया चाहिए, चलो एक BMW X7 निकाल देते हैं, अब थोड़े लोग ज्यादा देखेंगे
1% बच्चे समझ पाएंगे, 99% हैं वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप सबको तो उतना नहीं करेगा, पर मेजॉरिटी जो बच्चा होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि सेमिनार में पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के साथ, बच्चे के एस्पिरेशंस बहुत हाई सेट हैं, मेरे को ये नहीं करना, मेडिकल नहीं करना, उसमें बहुत पढ़ाई है, इंजीनियरिंग नहीं करना, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों पैसा क्यों नहीं मिलता, अरे माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, गूगल को देख लो, किसी को भी देख लो, 1-1.5 लाख से ऊपर का कैश नहीं देते। फिर क्या होता है, 3-4 साल बीत जाते हैं और वो 1-1.5 लाख भी नहीं मिलते। अरे हाँ या ना। तो इन्होंने जो पूछा कि मैसेज क्या देना चाहिए, कोई भी क्रिएटर 100% ऑनेस्ट नहीं हो पाएगा, अरे हाँ या ना, जैसा मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ वैसा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नोच के खा जाएंगे, वैसे कैसे बोला, हाँ या ना, बहुत फिल्टर करके बोलना होगा, जो मेरी भावना होगी उसमें भी मैं देखूंगा क्या क्या चीजें नहीं बोलनी, फिर एक मैसेज जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 80% प्योरिटी के पास पहुंच पाता है, 20% या तो छुपा लिया जाता है। तो ये है, आई थिंक जोरदार तालियां सर की इतने इन डेप्थ नॉलेज के लिए। सर की इन्फॉर्मेशन समझ में आई, हाँ या ना? ओके, सो आई थिंक विल ओपन द क्वेश्चंस फॉर द ऑडियंस, और श्रद्धा मैम से, अमन सर से, किसी से भी कोई सवाल पूछना, एंड विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। और ओके, सो यू, या यू गुड, एक मिनट रुक जा, सारे अलग से, सारे क्वेश्चन पूछेगा तू, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, प्लीज टेल योर नेम एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, सो माय नेम इज ज्योतिष, आई वांट टू आस्क यू, तो मैं एक तो पहली बात कि मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, एंड आपके थोड़ा सा बस मास्क हटा, ओके ओके ओके, सो मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड आपके एडवाइस, तो मैंने देखा है कि आपको बहुत पहले, मतलब सालों से ही, बहुत कम एज से आपको बहुत क्लैरिटी थी चीज़ों की, आपको बहुत क्लैरिटी थी चीज़ों के बारे में, तो कैसे वो डेवलप करें एक क्लैरिटी, मतलब आप एज जैसे आप 11-12 में, उससे पहले भी 8th क्लास में थे तभी भी आपको बहुत क्लैरिटी थी कि आप क्या करेंगे आगे, तो वो क्लैरिटी सबको नहीं होती है, अगर मुझे करना है तो क्या करना चाहिए वो डेवलप करने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत सारे लोगों, बहुत सारे भी नहीं, कुछ ठीक ठाक अगर आपको लोग मिल जाएं जिन्होंने जो आप बनना चाहते हो वो जर्नी अगर कर रखी है, तो वो आपको काफ़ी सारे टिप्स बता देंगे कि यार हमने ये किया, हमारे ये 3 दिक्कतें आईं, इनसे बच के रहना, वो काफ़ी हेल्प करता है। बाकी आप कितना ऑब्जर्व करते हो, आपको आपके सराउंडिंग में ही काफ़ी सारे उत्तर मिल जाएंगे, मतलब आप नाना करते भी अपने कॉलेज में एटलीस्ट 30-40-50 लोगों से इंटरेक्ट कर ही जाते हो, 5-6 आपके अच्छे दोस्त होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत देखते हो। तो अगर आप ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे अपने सराउंडिंग में कि यार इसने अपनी एक दुकान खोल रखी, इसकी ज़िंदगी कैसे, बैठ के बस एनालाइज कर लो, ज़्यादा प्रश्न उत्तर है। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आइसक्रीम तो सबको ही पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तो मैं एक बार ज्ञानीज गया कि यार ये आज से 2-2.5 साल पहले की बात होगी कि यार इसकी आइसक्रीम खा के देखते हैं, अलग से खोल रखा है, मदर डेयरी से कितना डिफरेंट है, देख के आते हैं। तो अंदर गए, 4-5 बार खाई, 6th बार जब दुकान में गए तो मैंने पूछा ये फ्रेंचाइजी कितने में लेते हो, तो उन्होंने कहा जी 24-25 लाख में मिल जाती है। अच्छा, मैंने कहा कितने साल में रिन्यू होती है, बोले 4-5 साल में होती है। मैंने कहा किराया कितना देते हो दुकान का, बोले 70,000 रुपये किराया देते हैं। मैंने कहा छोटी सी दुकान का 70,000, बोले प्राइम लोकेशन है, देना पड़ता है। मैंने कहा कितने लोग रखते हो, बोले 3 लोग रखते हैं। मैंने कहा ये कौन देता है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता। फिर मैंने कहा क्या यही काम करते हो या और भी करते हो, बोले नहीं इसमें मैं पूरा नहीं करता, यहाँ पे 3 लोग संभाल लेते हैं, मैं बस दिन के एंड में आके देख लेता हूँ, मेरा बाकी दूसरा काम है। तो आप जैसे जैसे लोगों से बात करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल का पता चलता है, जिसमें से आपको जो जो पार्ट अच्छा लगता जा रहा है वो आप उठा सकते हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक बच्चों ने ऑब्जर्विंग का ही पूछा, मैं श्रद्धा को कुछ नहीं बोलने दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कल परसों ही मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वीडियो का टाइटल था कि भाई मैं ये सारी जो महंगी गाड़ियाँ ये कैसे, वीडियो के अंदर वो क्रिएटर बता रहा है कि भाई जीने के हैं 20-30s आपके, 60-70 की उम्र में थोड़ी ना एंजॉय करोगे, विच मेक सेंस। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि इसलिए एंजॉय करने के लिए आपको है ना, मैं क्या करता हूँ कि मान लो मेरे को अगर 20 लाख की बाइक खरीदनी है, ये मेरे नहीं उनके शब्द हैं, कि 20 लाख की बाइक खरीदनी है तो मैं 20 लाख रुपए तो स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, और क्योंकि स्टॉक मार्केट से मैं 10% से ऊपर ले आऊँगा, और लोन ले लूँगा फिर मैं, क्योंकि लोन 7-9% का पड़ेगा, तो मैं नेट थोड़ा पॉजिटिव में रह जाऊँगा, और उस लोन की वजह से मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा कि मैं काम करूँगा, तो मैंने बाइक भी चला ली और मैंने एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करके अपना जी भी लिया।
उसी व्यक्ति ने 2.5-3 करोड़ की गाड़ी भी खरीदी थी। तो मैं सोच रहा हूँ अगर 20 लाख की बाइक EMI पे थी तो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी भी EMI पे होगी। अब इमेजिन करो, ठीक है, ये कुछ ऐसी सी बात है कि 2.5-3 कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसा सा है। दिन में ऑन एन एवरेज व्यक्ति गाड़ी चलाएगा आधा घंटा, अरे आया ना, पर उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 3 घंटे की सरदर्दी लूंगा कि अब मेरे को ये पैसा कमाना है क्योंकि मेरी EMI जाएगी 4.5 लाख रुपए की मंथ एंड पे। तो लाइफ एंजॉय हुई कैसे, क्या हुई लाइफ एंजॉय? लाइफ एंजॉय क्या कहते हैं, अपने आप जो घर वाले लोग हैं उनके साथ एंजॉय कर पाओ। 3 करोड़ का जो काम है क्या वो 30-50 लाख गाड़ी नहीं कर सकती थी? अरे हाँ या ना। मैं किसी की लाइफस्टाइल को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा और बच्चे मान भी गए। तो ये तो वही हुआ, आधे घंटे के एंजॉयमेंट के लिए मैं 3 घंटे मेहनत और करूंगा जिससे कि मंथ एंड पे 4.5 लाख की EMI दे दूं। आप 1.5 करोड़ रुपए जब लगाते हो किसी चीज में, मैसेज क्या जा रहा है, आप 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, पहले भी कोई गाड़ी 1.5 करोड़ की नहीं पड़ती, आपकी इंश्योरेंस का कॉस्ट पड़ेगा, आपके सारी चीज पड़ेगी, वो गाड़ी आपके 2 करोड़ की पड़ेगी, प्लस आपने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। अरे 1.5 करोड़ में 2 स्टार्टअप स्टार्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो लेंसकार्ट के फाउंडर ने क्या कहा था, यहाँ पे मैं आ गया मस्ती के लिए, यहाँ पे जो भी मैं 1 रुपया लगाऊंगा उससे ज्यादा रिटर्न मैं अपनी कंपनी में ले आऊंगा, अरे हाँ या ना? असलियत ये है, जो व्यक्ति भी यार पैसा कमाता है, अनटिल अनलेस वो फुल टाइम ट्रेडर ना हो, अनटिल अनलेस वो तो हो गया उसका काम ही कि सुबह उठता है फुल टाइम ट्रेडिंग करता है, वो तो फुल टाइम प्रोफेशनल हो गया। बाकी होते हैं फिर हम जैसे साधारण लोग जो अपना धंधा करते हैं, अपनी जॉब करते हैं और फिर देखते हैं जी पैसा कमा लिया तो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर आपके पास जी जिस दिन 20-25 करोड़ रुपए होंगे या मान लो 100 रुपए हैं आपके पास, आप यूं नहीं कहोगे मैं 100 के 100 को स्टॉक मार्केट में लगा दूं, आप क्या कहोगे जी 5-15 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, बचे हुए का आप थोड़ा घर वगैरह लेना चाहोगे, गोल्ड ले लोगे, आप बॉन्ड्स में डालोगे, आप खुद के धंधे में इन्वेस्ट करते हो। हमारा यार एवरेज 200%, हमने पहले साल जो एक्स नंबर था नेक्स्ट ईयर हमने उसका 10x अचीव किया था। हमारे पहले 2 साल बहुत एग्रेसिव रहे थे, आज भी हम बात करें हमारे रिटर्न 200-300% के बीच में रहते हैं, इतना कोई स्टॉक मार्केट नहीं देगा। अगर आप अपने धंधे के ऊपर इन्वेस्ट करोगे आप क्यों स्टॉक मार्केट पर, इतना टाइम थोड़ी ना है, रियलिटी ये है। पर मैसेज गलत दिया, तो आप ऐसे कर करके सभी लोगों को एनालाइज करके जिससे आप मिलते हो उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में पूछ के, फिर थोड़ा सा आपको मैथ्स तो आती है, परसेंटेज वगैरह सारे खुद कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट, तो आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए, राइट। 20-30-40 की एज है, इसमें ज़्यादा मेहनत हो सकती है, सबको लाइफ में घूमना भी है, किस कॉज के लिए आप ज़्यादा काम करना चाहते हो। तो इस पे मैंने, मेरा मानना है हर व्यक्ति को एक आइडियोलॉजी बना लेनी चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है, हाँ आप बता दो, आदित्य, तो आदित्य की एक आदित्य आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कि एक छोटा, चलो मैं ज़्यादा लंबा खींचता जा रहा हूँ, वो 3.5-4 घंटे वाली सेमिनार वाले डायरेक्शन में हम जा रहे हो, राइट। पर एक और छोटा सा उदाहरण अगर आप लोगे, हम अपने वेस्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। आपको पता है वहाँ पर डाइवोर्स रेशियो का रेट कितना है, लगभग 50% के दूध लेने जाओ और दूध लेने जाओगे 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, निकलोगे, अरे हाँ या ना? थोड़े बहुत और एनालिटिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा हर 3रे बंदे को हमारी जनरेशन में डायबिटीज होगा, हर 4थे बंदे को कैंसर होगा, और वेस्ट कल्चर निपला ले तो हर आधे लोगों को डाइवोर्स होगा। तो मैंने कहा अगर 3 बड़े गड्ढे हैं तो जी क्यों रहे हैं फिर हम? अरे अरे वाह हीरो, आप भी आज यहाँ पे, यश, अरे वाह। तो ये अगर आप चीज़ें, जैसे JEE की तैयारी भी हम 2-3 साल पहले स्टार्ट कर देते हैं कि 3 साल बाद पेपर आएगा तो अभी से थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दें, ये दिक्कतें भी 10 साल बाद आएंगी, 15 साल बाद आएंगी। तो अगर आप अभी से अपनी एक मेंटालिटी बना के चलोगे कि मेरे को ये स्टेप्स लेने हैं जिससे कि इन गड्ढों को मैं अवॉइड कर दूं, तो आपका थोड़ा सा आउट ऑफ की यार ये 4 चीज़ें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, सारा बेस्ट केस सिनेरियो तो नहीं होगा, इनको मैं अवॉइड करके क्या बेस्ट निकाल सकता हूँ। बस ऐसे ही उस बच्चे ने पूछा, क्या ऑब्जर्व करते हो तुम? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आंसर सर, थैंक यू सो मच अमन सर, एंड वी वुड लव टू, जिनको भी कोई सवाल पूछना है, रुक जाओ पहले मेरे को बोलने तो फिर हाथ खड़ा करना, जिनको भी सवाल पूछना है प्लीज़ यू कैन DM देम, या देर इज सम पोर्टल और समथिंग दे कैन, यू कैन आंसर देम, या सो बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, सो जस्ट राइट योर क्वेश्चंस टू देम एंड दे विल डेफिनेटली आंसर, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, सो सॉरी फॉर दैट, बट येस वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम श्रद्धा मैम एज वेल, दैट वट एवर द डिस्कशन इज, वट एवर द इनपुट दैट यू वॉन्ट टू गिव टू द स्टूडेंट्स राइट नाउ,
and then we can wrap this show up. Can we take a last question from somebody so that I know what? मैं आपकी मात मना करेंगे क्या? किसकी? हाँ बता जल्दी बोल. माइक नहीं है? रहने दे फिर. ये ले ये ले. हेलो मैम. हाय सर. सर अभी जैसा कि सबके पास इंटरनेट है एंड रिसोर्सेज भी है देन तो सबको पता है कि कैसे करना है क्या करना है देन व्हाट डू यू. आवाज आ रही है किसी को? हेलो सर. सर जैसा कि अभी सबके पास रिसोर्सेज है इंटरनेट भी है और सबको पता है कि कैसा क्या करना है देन व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाइक अगर किसी को इफ दे वांट टू मेक समथिंग बिग इन लाइफ देन व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सवाल क्या है कि सबके पास आज इंटरनेट है इंटरनेट है देन रिसोर्सेज है देन मतलब वो तो बचपन से भी सबको सेम सब्जेक्ट सिखाते थे सब कुछ करते थे बहुत लोग कोचिंग जाते हैं बट नॉट एवरीबॉडी एंड्स अप एट आईआईटी. तो वही है कि लिमिटेड आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आज की डेट में सबके पास है पर सबके पास कंसिस्टेंसी नहीं है सबके पास परसिस्टेंस नहीं है सब उतना टाइम नहीं दे पाते उस चीज़ को जिसके लिए वो एक्चुअली वर्क करना चाहते हैं सब रिजल्ट्स के लिए पेशेंस नहीं रख पाते. तो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. लक इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर बट इट्स नॉट अ मेजर फैक्टर. हार्डवर्क मतलब अमाउंट्स इन हिंदू शास्त्र की आपके हाथ में दो तरह की रेखाएँ होती है एक भाग्य की होती है एंड आप जो काम करते रहते हो वो लिटरली आपके पाम्स में जो आपके भाग्य की रेखाएं होती है उसको चेंज कर देती है हर हफ्ते. तो योर हार्ड इफ यू कीप वर्किंग हार्ड इट विल चेंज योर लक. ओके भाई तो जल्दी से सवाल पूछ लो. अमन भैया आवाज आ रही? हाँ अमन भैया सबसे पहले तो आप मतलब जिस चीज़ के हकदार हो जिस रिस्पेक्ट के वो मैं कर देता हूँ पहले. अरे नहीं अगर मैं कुछ भी बोलता तो कंजूसी हो जाती फिर इसलिए मैंने बोला नहीं. अरे दूसरी बात कि अभी अभी जो आपकी मैं पावर देख रहा हूँ उससे 10 गुना पावर अभी आपके रह रही है अभी सही में. अभी आप जिस मतलब लेवल पे हो अभी 10 गुना की ताकत अभी आपकी रह रही है अभी और मैं समझ रहा हूँ कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे. और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ. देखिए जैसे यहाँ आईआईटी है बॉम्बे है आईआईटी दिल्ली है सब है लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है जब हमारे देश की बात आती है तो हम डेवलप्ड नेशन में काउंट नहीं किए जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया जो है इनफाइनाइट सालों तक डेवलप्ड नेशन में नहीं आ पाएगा. इट सीम्स डोंट यू थिंक सो? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? तो इनका सवाल ये है कि भाई वो जवाब दे रहे हैं. नेशन को क्या डेवलप नेशन माना जाएगा? मेरे हिसाब से अगर जितने भी आपने अगर रिसेंटली अगर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कंटेंट अपलोड हुआ है रिगार्डिंग कि जो टॉप 1% होता है वो क्या है इंडिया का. कोई बोलता है कि जो भी व्यक्ति 40-50 हज़ार रुपये के ऊपर कमाता है वो इंडिया का टॉप 1% है. कोई कहता है 70-80 हज़ार रुपये के ऊपर कमाता है वो इंडिया का टॉप 1% है. तो बचा हुआ 99-98% लोग मतलब बहुत खराब स्थिति में है. पर ये जितने भी सारे स्टैट्स हैं इनमें से अगर आप मेजॉरिटी देखोगे ये सारे के सर्वेज या तो 2013, 14, 15, 16 इस दौरान के लिए गए हैं. और इंडिया में एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन आया है 2016-17 के बाद जब से जियो की मदद से जो इन्फॉर्मेशन था वो सभी लोगों के पास बहुत ईजीली एक्सेसिबल होने स्टार्ट हो गया है 2017 के बाद. जहाँ पे लोग अपने घर में बैठे बैठे कुछ कुछ चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए हैं बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं. उनमें से काफ़ी यूनिकॉर्न्स डाउन भी जाएंगे पर एटलीस्ट वो कल्चर
मुझे ऑनलाइन ही सारा चीज़ मिल गया। आपको अपने घर से डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट करनी है तो आपका जो प्रोडक्ट है डिलीवर होने के लिए सर्विसेज पहले से रेडी हैं। आप अपना रेस्टोरेंट खोलोगे तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सर्विसेज जोमैटो स्विगी जैसी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप अपनी किराने की दुकान खोलते हो, बड़ा ग्रोसरी स्टोर खोलते हो, उसको घर तक पहुंचाने के लिए, तो मेरा मानना यह है कि आने वाली डायरेक्शन में सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता यार कि वो सबको जाके सरकारी जॉब्स दे दें। आने वाले सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और बड़ी कंपनियां यहां से निकली हैं। एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट अगर वो जो बनना चाहते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिससे कि वो जो हमारी सोच है कि यार हमें जॉब मिल जाए से हम इसमें जा पाए कि यार कितना बढ़िया रहेगा अगर हम 200 लोगों को जॉब दे पाए, तो उस डायरेक्शन में मेरे को लगता है कि मुझे ब्राइट फ्यूचर फील होता है जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को ब्राइट फ्यूचर फील होता है। वो तो ठीक है, मतलब हाँ? जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इससे आपको लग रहा है कि जैसे देखिए डेवलप्ड होना एक वो इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि लोगों के दिमाग में वो स्टेट है कि नहीं। अगर डेवलपिंग कहीं स्टेट हमारे दिमाग में है तो हम डेवलपिंग ही रहेंगे थ्रू आउट। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग भाई? विल डू दिस एनडीटीवी पैनलिस्ट डिस्कशन लेटर ऑन, ठीक है? थैंक यू सो मच ब्रदर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां यार। बट आपने जो इज्जत दी ब्रदर स्टार्टिंग में, जो इज्जत दी वो बहुत अच्छा लगा मुझे यार, उसके लिए सराहने आपको, हैट्स ऑफ टू यू, द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, एक बार जोरदार तालियां फॉर अमन सर एंड श्रद्धा। एक बार फाइनल पिक्चर आ जा अनुभव प्लीज। हाँ तो अभी जूनियर है ना मेरे, ओके जोरदार थाली एवरीवन, कम ऑन। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम एंड ओके एक सेल्फी लेंगे आपके साथ।